Big F with Randeep Hooda. तो ऐसा है भाई कि इस साल इंडिया के 70 साल इंडिपेंडेंस के पूरे हो रहे हैं, तो इस मॉन्यूमेंटल ईयर में हम में से कुछ महापुरुषों ने डिसाइड किया कि हम अपनी औरतों यानी बेटी बहनें वाइफ्स गर्लफ्रेंड वगैरह वगैरह बेसिकली मॉडर्न इंडिया की सब फीमेल्स को हम आज़ादी देंगे। हम जानते हैं कि आप अपने घरों की लड़कियों को सुरक्षित देखना चाहते हैं और इसलिए उन पे पाबंदियां डालते हैं। बेटी बहन गर्लफ्रेंड भाभी बीवी ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं मानता हूं, पर आपकी जागीर तो नहीं है। जिम्मेदारियों का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के सपनों का गला घोट दें। भाई दरवाजे खोलिए लड़कियों के लिए और साथ खड़े होइए। अपने प्यार और जिम्मेदारी को सम्मान हौसला और विश्वास में बदलिए। उनको लगाम नहीं आपके हाथ की जरूरत है। सिर्फ हम लड़के ही औरतों को नहीं रोकते हैं इंडिया में, ये एक ओवरऑल गंदी सोच है जो इन्हें पीछे खींचती है और MTV बिग एफ इस सोच से बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब्ड है और इस सोच का सिर्फ एक ही इलाज है कि साथ मिलकर इसके नेशनल टेलीविजन है ऑब्वियसली, इंडिया है भाई। Here you can't kiss in public, but you can definitely piss in public. So, I will leave the pichwada business to Dhapan. Kaun Dhapan? Arey, wo Sonipat ki Dhoban. Chaliye, milte hain usse. धोबी अगर उसको पता चल गया कि उसकी बेटी वहाँ फुटबॉल कोचिंग करे है तो अपनी गरम प्रेस से मुझे जला दे। पर इस बार ना कॉलेज टीम में सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है, पर उसके लिए तो घनी कोचिंग की जरूरत है। बस कोई कोच मिल जाए तो मने फ्री में सिखा दे। अच्छा सुनो, मने सुना है कि वो मशहूर प्लेयर नासिर खान वो मारे शहर शिफ्ट हुए हैं। हाँ, पर पता नहीं कहाँ रहे हैं। बस एक बार पता चल जाए तो नासिर खान ने तो हम ढूंढ लेंगे ना, तो ताऊ से बात कर लेंगे। अरे गोबर की शक्लो, तुम्हारे साथ सीक्रेट में फुटबॉल खेलने पे तो तुम मुझसे मेरे धोबी बापू के वहां से कपड़े चोरी करवाए हो। बड़े आए चोरी ना है, रेंट है आज ही डेट से। ओ सिट सिट सिट, अरे ये पकड़, कल वापस कर दिए शर्ट। पर जा कहां रही है छोरी? मंदिर दर्शन का टाइम हो गया से, आज तो लेट हो जाऊंगी। थप्पड़ भाग। डियर गॉड जी, आज दर्शन ना मिस हो जावे बस। वैसे भी आप तो जानो हो ना कि धप्पड़ का दिल दो ही चीजों पर धड़के है, एक फुटबॉल और इस दलजीत बरार पे ऐसी किक मारूंगी कि ये छोरा तो बस। माँ तू की बच्ची, हाँ तू चल घरे, चल आज घरे को मैं बताती हूँ, चल। छोरी है तू, छोरा ना है जो स्पोर्ट खेलेगी है। अरे इतनी मुश्किल से तो तेरी पांच बहनों को सर से तारा है, अब तू मेरे सर पे बैठ के फुटबॉल खेलियो, बात करेगी स्पॉट। शादी पता नहीं के शादी लगा रखा है, जब मैसी अगले मैच में गोल ना मारेगा जब हमारी शादी ना हुई तो। बस एक बार कॉलेज टीम में मेरा सिलेक्शन हो जावे बस। हाँ ए दपन बेटा, ये जर्सी पहनने की हमारी औकात ना है, धोने की है बस, धोने की, समझ गई? बात कर रहे लड़की उन पी के गिर दिया गया। ये ले एकेडमी में कपड़े दे के आओ और सीधी घर को आइयो, समझ गई? हाँ चलक भाई, चांस हुआ तो दिलजीत फिर से दिख जाएगा। अरे आग क्या फूट रही है क्या? अरे
धपन। हाँ माँ। अरे ये छुरी इधर। हाँ बोलो। अटे मेरे। हाँ माँ ये देख लाई हूँ तारे वास्ते पडिंग ब्रा। माँ अरे कोई देख लेगा ना। अरे कोई नहीं देखेगा। सुन ये दिखने में तो छोटी सी लागे लेकिन जो एक बार तो इसे पहन लेगी ना फिर तू देख लड़के ने तुझे देखते के साथ कह देना है डन। अरे बावली हो गई है क्या बड़ी मुश्किल से लाई हूँ खरीद के। हाँ सारी दुनिया ने पता है हरियाणा में हर 10 छोरे के लिए एक छोरी है लेकिन उस 10 छोरे में से भी एक भी तुझे पसंद ना करे है। कभी सोचा है क्यों हुँ? कि कसम खाई हमारी और बापू की बात ना मानेगी। के है माँ तू बीड़ा जा रही हूँ मैं अकेडमी। अरे सुन मिनिस्टर ना है तारा बाप। अरे वीरू को ले जा प्रोटेक्शन के लिए। सेकंड हैंड कॉमिक बुक ठीक से चल बड़ा ढूंढ बन रहा से ठीक से चल। एक्सक्यूज ये स्वैग वाला बॉक्स है तुझे क्या पता। ओए शिमला के मॉल रोड पे आई है चुड़ैल ठीक से चल। ठीक है फिर ताऊ आज ना फिर तो दो हाथ हो ही जाए। आज मैं बटेरा फैमिली के चिराग को बुझा के ही रहूंगी। देख छह बहनों में मैं इकलौता भाई हूँ। इब क्यों तन्ने नानी याद आ गई। आ ना इब क्यों डर रहा है। देखा भैया गाइस आई थिंक इसे कंकशन हो रहा है। क्या परफ्यूम है इसका जिंदगी भर सूंघती रहूं मैं इसे। सुन उठो वेक अप गेट अप। थैंक गॉड तुम ठीक हो। अपने होंठ चला धपन नहीं तो छोरा हाथ से चला जाएगा। I'll get some water. नहीं 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 वो मने कपड़े धोने जाना है। उबर गई कि कपड़े धोने जाना है इसका परफ्यूम का परफ्यूम कितना परफेक्ट है। सब परफेक्ट ही तो है यहाँ। ऑल थैंक्स टू माय लेजेंडरी नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर फादर। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पहले तो तुम अननेसेसरली इतनी दूर कोचिंग के लिए गए हो। आई कुड हैव अरेंज्ड पर्सनल कोचिंग हियर। यू वेरी वेल नो व्हाई आई लेफ्ट डैड। यू नो समवेयर आपको लगता है कि मैं आपकी लेगेसी बीट नहीं कर सकता या तो आप चाहती नहीं कि मैं आपकी लेगेसी बीट करूं। The reason I left Delhi was because I want to get out of your shadow, man. लेकिन क्या फायदा? हर जगह same story है। यहाँ के coach भी मुझे coaching नहीं देते। आपका बेटा होने की वजह से मुझे please करते हैं। लेकिन I have a solution now. क्या? Remember Nasir Khan? I'll remind you. आपके career के last football match का rival. I've traced him. वो यही shift हुआ है. And I know for a fact. कि आज भी आपको वो इतना हेट करता है कि वो मुझे ट्रेन करेगा आपसे बेहतर बनने के लिए। ही इज द ओनली वन हु कैन गेट मी इनटू नेशनल। कॉलेज टीम के सिलेक्शन का टीम हो रहा से जल्दी से नसीर खान को ढूंढ अपन नहीं तो। चल भाई
है धप्पण। ये तो होटी के परफ्यूम की स्मेल है। अपनी कुत्ते वाली नाक को संभाल, किसी भी ताऊ के घर में एंट्री मार रही थी, चला गया दिलजीत। यहाँ कैसे आई? गंगा बगल में थी और मैं हरिद्वार की टिकट कटवा रही थी। तो पण जल्दी बात कर ले, अपने आप से क्या बात कर रही है बात। अरे सर जी आप नसीर खान है ना, उस फेमस फुटबॉल प्लेयर। सर जी मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी है इंटरनेट पे, आपके सारे ट्रेन किए गए प्लेयर्स नेशनल खेले ना, और फिर आपका एक्सीडेंट हो गया था। चलो उठो उठो, क्या चाहिए क्या चाहिए जी? वो आप मने कोचिंग दे दो प्लीज। सर जी आपके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी ना है ना, पर कोचिंग के पैसे ना है जी। आप भी तो गरीब थे ना, मुझे बस आप अपनी कोचिंग दे दो, और कुछ ना चाहिए मन में। कोचिंग फुटबॉल कोचिंग तो बहुत बात की बात है। अच्छा पहले बता ऑफसाइड क्या होता है? जब मेरी टीम के बंदी बॉल को किक मारे तो डिफेंस प्लेयर के पीछे जाके मैं पास ले लूं तो ऑफसाइड कर दूं। फुटबॉल फील्ड की लेंथ 110 मीटर। इंडियन टीम मास्टर फीफा वर्ल्ड कप में सिलेक्ट क्यों नहीं हो पाई? ये गलत क्वेश्चन। क्या 1950 में सिलेक्ट हुई से, लेकिन गई ना थे। घर जा। कल सुबह 8 बजे आ जाना तालाब के पास वाले मैदान में। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तेरा सिलेक्शन अभी तक हुआ नहीं है कि मैं एक टाइम पे सिर्फ एक ही बंदे को ट्रेन करता हूँ। एक और प्लेयर है अब उसमें और तुझ में, मैं सिर्फ एक ही को ट्रेन करूंगा, ठीक है? थैंक यू जी। सिट अकेडमी कपड़े रखने का टाइम हो गया से, नहीं तो बापू डांटेगा। थप्पड़ अंदर आ रही है, अंदर कोई है तो नहीं? अच्छा आइडिया। जब से हम दोनों एक दूसरे को मिले हैं ना, हमारी बोलें एक दूसरे से टकरा रही हैं। What? क्या हो गया जी? मेरा परफ्यूम नहीं रखा था। वैसे your kick was good, just like a professional. खेलती हो फुटबॉल? जी थोड़ी बहुत बोलने को मैं भी किक मार लेती हूँ। You're funny. But the kick was really strong.
दिस इज माय परफ्यूम। मुझे मैंने चोरी ना की है, मैं चोर ना हूँ, मैं सच्ची कह रही हूँ। फुटबॉल की कसम जी, मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने चोरी ना की है। वो मैं पिछले एक महीने से रोज सुबह आपको ताड़ रही थी। वो घड़ी अंग्रेजी में के बोले क्रस क्रस हो जी आप मारे, पर मुझे लगा आपका मेरे को ताड़ने लगे, तो मैंने सोचा कि आप नहीं तो आपकी आपकी खुशबू ही से। मैंने माफ कर दो जी, मुझसे गलती हो गई है। जी तो हकीकत है, सपना नहीं है, आप कॉफी मारे साथ चलोगे? हाँ। कब चलना है जी? Soon. I'd love to take you out. भैंस की पूंछ। हेलो, यस सर, एक और प्लेयर, दोनों में से किसी एक को ही कोचिंग दोगे? कूल सर, I'll be there. एक और प्लेयर, क्या कर रही है ये हुट्टी बॉय? हाँ जी, मैं तो बस ये ऐसे ही। गुड, तो तुम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हो, राइट? इंट्रोडक्शन का ड्रामा खत्म, चलो किट अप हो जाओ, देखते हैं कौन बेटर खेलता है तुम लोगों में। कम ऑन, वार्म अप गाइस। ये तो घनी गोबर बात हो गई, कैसे गॉड जी कैसे? अरे जिसको देखकर मैं हैप्पी होती हूँ उसी को आज हरा के सेड करना है। मारी भैंस की पूंछ, इब कैसे होगा ये? बेचारे, I know she wants this bad, but I can't help it happen. Nothing personal. मुझे भी अपने डैड को प्रूफ करना है यार। जब तुम दोनों की वॉइस ओवर खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, सिलेक्शन शुरू कर लेंगे। कल सुबह रिजल्ट मिल जाएगा तुम्हें।
आज के बाद तू अपनी शादी के बाद घर से बाहर निकलेगी। आज मैं सारा केस ही खत्म कर देता हूँ। बाबू। हाँ छोड़। अरे छोरे का मामला हाँ छोड़। अरे बाबू। बाबू नहीं बाबू क्या कर रहे हो? पढ़ का मतलब हो गया है। अब और नहीं। पर मारे केस में अब और लड़कियां नहीं। पांच बेटियों के बाद जब मैं पैदा हुई ना, एक और छोरी तुम्हारे बापू ने अपने ऊपर से लड़कियों का श्राप हटवाने के लिए पंडित से मेरा नाम रखवाया। थप्पड़। हमारा असली नाम तो अनन्या से। चढ़ू अनन्या का मतलब क्यों हुए? अनन्या का मतलब हो गया है जिसका कोई अंत ना हो। और ये कॉलेज टीम में सिलेक्शन ही एक रास्ता था पप्पू को ये बताने का कि मेरा भी कोई अंत ना है, मैं आगे बढ़ सकूं, मैं फुटबॉल खेल सकूं, मैं कुछ करके दिखा सकूं। पर पप्पू सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं बापू। मैं धोपड़ ही रहूंगी, मैं धोपड़ ही रहूंगी हमेशा। धप्पड़ धप्पड़ रहेगी। अनन्या ना बन सके है कभी। अनन्या कभी ना बन सके है। नहीं नहीं सर जी, सर जी आपकी क्या गलती है? पर आप ना कोच जी से घड़ी कोचिंग लेना। हाँ ऑल द बेस्ट। कल जब मैंने तुमको तुम्हारे शूज बचाते हुए देखा ना, तो एक एक अलग सी फीलिंग महसूस हुई। ऐसा लगा अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या मैं वो करता? क्या तुम्हारा पैशन मेरे पैशन से ज्यादा है? एंड देन आई रियलाइज्ड, यस आई डू लव फुटबॉल, लेकिन फुटबॉल से ज्यादा आई जस्ट वांट टू शो माय डैड डाउन। मैं खेलता हूँ ताकि अपने डैड से बेहतर बन सकूँ। लेकिन तुम यू प्ले बिकॉज यू लव द स्पोर्ट, बिकॉज यू पैशनेट टुवर्ड्स इट। मैं अपनी जिद के लिए खेलना चाहता हूँ और तुम अपने सपने पूरे करने के। तुम्हारे जुनून ने मेरा गुरूर तोड़ दिया थप्पन। दैट्स द रीजन व्हाई आई थिंक यू डिजर्व नसीर खान। कल से तुम्हारी कोचिंग स्टार्ट होगी एंड तुम ये शूज और ये जर्सी पहनोगी। थप्पन तेरे लाज के अंदर बिगाड़ा है। देख ले, मैंने कहा था ना यहीं मिलेगा। थप्पन आप अंदर नहीं जा सकते। अरे छोड़िए, हमारी बात करनी है हमें। अरे थप्पन, अरे अरे उसे हमारी छोड़िए। बाबू नहीं जा सकते। मना कहा था मैंने। बाबू आप नहीं जा सकते। अरे तू चुप कर। अरे सर आप अंदर नहीं जा सकते, सॉरी ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। अरे क्यों छोड़िए हमारी, हमें बात करनी है उसे। हां बाबू एक ठीक बोले से। इब तड़े मारना है तो मार दे बापू, पर इब इस किक के बाद ना मैं वही धप्पड़ नहीं रहने वाली। और इब मने किसी से डर भी ना लगे, पता है क्यों? क्योंकि इब मने किसी ने घनी हिम्मत दी है बापू। तेरे धप्पन, तुझे मैंने कितनी बार समझाया, कह रहा है तू छोरी है छोरी, और वो भी धोबी की। इन सब की हमारी औकात ना है, पर इस फुटबॉल में
इस फुटबॉल में तेरा कोई करियर बनेगा? बेटा आपका पूरा नाम क्या है? अनन्या, सब मारी छोड़ी है। किसी छोरे से कम ना। क्या छोरी कॉफी पे चलेगी मेरे साथ? लपन से अनन्या तक की जर्नी में बहुत सारे दरवाजे थे पर सब खुलते गए। थोड़ा ड्रिबल, थोड़ा पेनल्टी किक, थोड़ा फाउल, प्यार में सब जायज है ना? क्या अनन्या और दलजीत का प्यार? नहीं बॉस, नहीं 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 नहीं, अनन्या का अपनी जिंदगी से प्यार, फुटबॉल से प्यार, अपने आप से प्यार। पर अगर दपन सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे बैठी रहती तो सारे दरवाजे बंद के बंद ही रह जाते। वो उठी, अपनी किस्मत को कहा तेरी। तुम बीच में डिस्टर्ब क्यों करते रहते हो यार? तो बुलाया क्यों है? खुल के बोलने भी नहीं देते। छोड़ो यार, अगले संडे फिर मिलते हैं ठीक 7 बजे MTV Big F Forbidden No More।